असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से खुर्शीद शेख को AIMIM के प्रदेश कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य बनाए जाने के बाद खुर्शीद शेख का क्षेत्र भ्रमण शुरू हो गया है और हम लोग ना ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिए हैं। भतीजा कहाँ जाएंगे इसका तो कोई गारंटी नहीं, क्योंकि उल्टी गिनती तो उन्होंने शुरू कर दी है। आला कमान टिकट देती है तो हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। समाज के कमजोर वर्ग के साथ जब भी जुल्म हुआ है तो AIMIM उनके साथ खड़ी होती है। इसका नतीजा आप देख भी रहे हैं कि पूरी मजबूती से जुड़ रहे हैं और विधानसभा में बहुत ही मजबूती के साथ हम लोग लड़ने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से खुर्शीद शेख को AIMIM के प्रदेश कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य बनाए जाने के बाद खुर्शीद शेख का क्षेत्र भ्रमण शुरू हो गया है। पार्टी को विस्तार करने और संगठन को मजबूत करने हेतु कड़ी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। कयास लगाया जा रहा है कि खुर्शीद शेख ढाका विधानसभा से प्रत्याशी हो सकते हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान नीरो हॉस्पिटल ढाका में डॉक्टर तारिक जफर व हॉस्पिटल की टीम ने खुर्शीद शेख का जोरदार स्वागत माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र से किया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अग्रिम शुभकामनाएं एवं बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा, ओवैसी की पार्टी गरीबों, मजलूमों, पीड़ितों एवं दबे कुचले लोगों की आवाज के लिए जानी जाती है। ओवैसी की पार्टी बिहार में चुनाव लड़कर एक इतिहास रचने की तैयारी में है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस बार बिहार में परिवर्तन होगा और बिहार से परिवारवाद का जड़ से सफाया हो जाएगा। मौके पर AIMIM के जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर, इंजीनियर हामिद जफर, समीर सिद्दीकी, राजा बाबू, वसीम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हमारे संवाददाता समयुला चंपारानी का देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, AIMIM के मजबूत उम्मीदवार ढाका विधानसभा प्रत्याशी खुर्शीद शेख है और बैग की दुनिया के बाद ये राजनीति की तरफ आए हैं। और देखिए, नीडो हॉस्पिटल में डॉक्टर तारिक जफर के द्वारा इनको स्वागत किया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से इनको जब कार्यकारिणी का सदस्य दिया गया, बनाया गया, और इस मौके पर देखिए इनको माला पहनाया जा रहा है और साथ ही सम्मान बख्शा जा रहा है। देखिए, चादर अंग वस्त्र दे करके डॉक्टर तारिक जफर है, इधर जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर है, जोर शोर से क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, साथ ही नीडो हॉस्पिटल में आए हैं। एक बार फिर से बधाई आपको। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। सम्मानित किया जा रहा है, क्या रूपरेखा वही रहेगा, वही जोश खरोश रहेगा? जी, जोश खरोश तो और ज्यादा उससे है। अभी दौरा चालू है, सब जगह पे जा रहे हैं। अभी हमारे डॉक्टर साहब के यहाँ आए हैं, इन्होंने हमारा स्वागत किया है और इन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम पूरी तरह से हम लोग संगठन को मजबूत करेंगे और इसी काम में हम लोग लगे हुए हैं। और अब यहाँ से तो शुरू हो गया हुआ है, बैठना तो है नहीं। चुनाव हो सकता है इसी साल, हो सकता है, इसको लेकर के और हम लोग ना ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, आप ही के गांव से दो कैंडिडेट हैं जो पूर्व विधायक भी हैं, फैसल रहमान, आप भी खड़े हो गए। ये जनता जो है ना, अभी की दफा मन बना लिया है कि AIMIM को हम लोग वोट देंगे। और रह गया बात तो हम AIMIM के हैं और वो दूसरे पार्टी से आते हैं, उनका काम है, वो अपना करें, हमारा जो काम है हम लोग करेंगे। और हमारी पार्टी ऐसी है जो एकदम हक के लिए लड़ाई लड़ती है और एकदम खुलकर बोलती है। पॉलिटिशियन जिस तरह से बात करते हैं ना, छुपा करके, उस तरह से हम लोग बात नहीं करते, खुल करके कहीं भी हम लोग बात करते हैं। एक तरफ चाचा तो दूसरी तरफ भतीजा, सभी से दो कैंडिडेट लेकिन AIMIM के प्रत्याशी हैं शेख खुर्शीद शेख। चाचा भतीजे की लड़ाई में क्या देख रहे हैं, क्या होगा? देखिए, यदि पार्टी टिकट देती है तो चाचा भतीजा की लड़ाई में चाचा आगे जाएंगे। भतीजा कहाँ जाएंगे इसका तो कोई गारंटी नहीं, क्योंकि उल्टी गिनती तो उन्होंने शुरू कर दी है और हम लोग अपना बिगुल बजा चुके हैं। पार्टी अगर इन पे विश्वास करके आला कमान टिकट देती है तो हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। क्या लग रहा है, मजबूती के साथ लड़ेगी AIMIM? देखिए, यहाँ से जो है AIMIM हमेशा से मजलूमों के साथ खड़ी रही, हमेशा से जिसको जरूरत है, कमजोर तबके, गरीब, पसमानदा, पिछड़े, STSC, उसकी लड़ाई लड़ी है। और इसका आपने देखा होगा जीता जागता उदाहरण कि हर क्षण में जब भी किसी मजलूम पे जुल्म होता हो, जब भी अकलियतों के साथ या दलितों के साथ या पिछड़ों के साथ या किसी भी समाज के कमजोर वर्ग के साथ जब भी जुल्म हुआ है तो AIMIM उनके साथ खड़ी होती है। पार्टी अगर चाहेगी, ये मजबूत कैंडिडेट हो सकते होंगे, इन पार्टी के सामने अगर ये आएंगे कि नहीं इनको टिकट दिया जाए तो ये मजबूती से लड़ेंगे। इसी का अपना मजबूत करने के लिए क्षेत्र में लगे हुए हैं, उसी सिलसिले में यहाँ भी आए तो हम लोगों ने चूंकि इनको मुबारकबाद दिया, इनके हौसला और बढ़ता जा रहा है। विधानसभा लड़ने के लिए तैयार है आप लोग?
ये पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं और ये चीजें अब तो तैयार हम लोग बिगुल फूक चुके हैं जिसका आपने अंजाम लोकसभा में देखा है और लोग बहुत ज्यादा हमसे जुड़ रहे हैं। लोकसभा में ये हुआ कि हम लोग पार्टी तो हमारी आ चुकी थी यहाँ लेकिन संगठन के अभाव में और हम चूंकि पहली बार आए थे और वहाँ लोग संविधान बचाने के चक्कर में जो है ना लोग लग गए कि उसी चक्कर में हमारे जो लोग थे यानी लोगों ने कहा भी बहुत सारे लोगों ने हम उस वक्त भी गए उसके बाद लोगों ने वादा किया कि देखिए कि कुछ हम लोग इस बार वहाँ सेंट्रल में देख कर जो है ना इस बार नहीं दे पाए हैं। बहुत अफसोस है कि विधानसभा में बहुत लोगों ने वादा किया है कि पूरी मजबूती के साथ आ रहे हैं। इसका नतीजा आप देख भी रहे हैं कि पूरी मजबूती से जुड़ रहे हैं। पिछले 7 तारीख को जो मीटिंग थी सोगरा उर्दू लाइब्रेरी में बहुत बड़े पैमाने पर लोग आए, बहुत लोग सदस्य बने, पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और जो भी प्रकोष्ठ है सारे प्रकोष्ठ का वहाँ विस्तार किया गया और तमाम जाति बिरादरी के लोग हमसे जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और इसी कड़ी में ये लोग जो है ना बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष साहब खुर्शीद सेठ साहब जो हम लोग सब लोग यहाँ पे आए हैं इनकी कड़ी में इनको हम मुबारकबाद देते हैं। पार्टी ने इनको जो है ना कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है तो उसके लिए यहाँ हमारे यहाँ आए हॉस्पिटल पे हम लोगों ने इनको बधाई दिया और हम लोग इनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। पार्टी के लिए हम लोग तो बहुत खुश हैं क्योंकि पार्टी जब हम लोग शुरू शुरू में आए थे तो हम लोग 2-4 लोग हुआ करते थे लेकिन ऊपर वाले का क्रम है और आप लोगों की मेहनतों का नतीजा है सारे लोगों का कि पार्टी बहुत मजबूत हो चुकी है। एक आवाज़ पे कहीं पे भी किसी के साथ कुछ होता है तो हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, पार्टी उनको पूरी मजबूती के साथ हमारे तमाम लोग पहुँच जाते हैं। बहुत बेहतर काम हो रहा है और इसका नतीजा ये लोग घूम भी रहे हैं, इसी कड़ी में यहाँ भी आए हैं और जगह जगह जाना हो रहा है और विधानसभा में बहुत ही मजबूती के साथ हम लोग लड़ने जा रहे हैं और इसका नतीजा बहुत बेहतर होगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एसटीवी न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।